बॉलीवुड डायरेक्टर करण जोहर के फेमस चैट शो कॉफी विद करण में मचे बवाल के बाद हार्दिक और राहुल के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई। आपको बता दें कि बीसीसीआई और सीओए ने मिलकर हार्दिक और राहुल से टेम्प्ररी बैन हटा दिया है। बीसीसीआई के मुताबिक जो भी ओम्बुड्समैन सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, जो 5 फरवरी को किया जाएगा डिसाइड, उसके बाद जब उसकी इंक्वायरी पूरी हो जाएगी और जो भी फैसला होगा तब हार्दिक और राहुल पर जो भी फैसला लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए उन पर से सस्पेंशन हटा दिया गया है। ये टेम्प्ररी सस्पेंशन है। फिलहाल हार्दिक और राहुल को करीब करीब 20 से 25 दिन की राहत तो मिल ही चुकी है। अब ओम्बुड्समैन का क्या फैसला आएगा वो उसके ऊपर है, लेकिन साफ तौर पर केएल राहुल को बोल दिया गया है कि आप इंडिया ए टीम से जुड़े, और हार्दिक पांड्या को सीधे न्यूजीलैंड की फ्लाइट का टिकट मिला है और कहा गया है कि वो भारतीय टीम की को ज्वाइन करें और टीम के साथ रहें। साथ ही बीसीसीआई ने यह भी कहा कि हार्दिक और राहुल को जो सस्पेंशन था वो जितना हो सकता था वो उन पर लगा दिया गया था, लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में यह मसला गया तो ओम्बुड्समैन को लाने की मांग की गई, और ओम्बुड्समैन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो 5 फरवरी को अपॉइंट किया जाएगा। अब देखना होगा कि हार्दिक और राहुल का मसला और कितना आगे तूल पकड़ता है। फिलहाल दोनों के लिए राहत भरी खबर है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।